हेलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सब? आए आप लोग अच्छे होंगे। मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और देख रहे हैं अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो हम अभी आए हैं मयूर विहार फेज 3। यहाँ बहुत ही बड़ा मेला लगा हुआ है। टमाटर नहीं, ये पगली वो डिजाइन बनाया गया है, तब से टमाटर टमाटर तब से टमाटर बेटी है ना, कम नहीं है मुझे टमाटर टमाटर उगा है मम्मी टमाटर नहीं बेटा, टमाटर नहीं उगा, वो डिजाइन बनाया गया है। और इसे देख रही है ना, तो बोल रही है क्या टमाटर होगा, ये डिजाइन बनाया गया है इस बार का इस तरह से मयूर विहार फेज 3 में। तो मेरे बेटे बोले क्या टमाटर होगा, वो जो गोल गोल नहीं है रेड रेड, तो वही बोल रही है कि यार टमाटर होगा है क्या मम्मी, पौधा है क्या। बच्चे भी क्या क्या सोच लेते हैं, क्या क्या समझ नहीं आता है। इधर कितना भीड़ है, बीच वाला देखो कितना भीड़ है, बाबा रे टमाटर ने मुकुटा उसको, तब से देख रहे टमाटर टमाटर कर रही है, अंदर है तो मेरे अभी गए हैं अभी टिकट लाने के लिए, तो ये झूला मुझे बहुत ही अच्छा लगा, इसी पे जा रही हूँ। और पता है गोल गोल जो झूला है ना, बाप रे मुझे बहुत डर लगता है, इसलिए उस पर नहीं झूली। तो ये जो नाव वाला जो झूला है ना, ये अच्छा लग रहा था, तो इसी पे हम लोग वो टिकट लेने गए थे। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग जाएंगे झूला पर। और देखिए कितनी भीड़ है, बहुत साल के बाद मेला लगा है, क्योंकि कोरोना वायरस और ये सब जो प्रॉब्लम हो रहे थे ना, उसके कारण मेला बहुत दिनों के बाद, बहुत साल के बाद लगी है दिल्ली में। 2-3 साल के बाद यहाँ मेला लगी है दुर्गा पूजा की। देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे एकजुट हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे हबी शूट कर रहे थे वीडियो, क्योंकि मुझे बोल रहे थे ना, तो मुझे डर लग रहा था कहीं टच से कुछ भी इधर उधर हो सकते हैं, गिर जाएंगे मोबाइल तो हो जाएगा फिर वीडियो बनाएगा। तो वो बोले लाओ मैं करता हूँ, तुम बहुत डरती है। मैंने ठीक है आप ही करिए। और बेटी को मैं पकड़ी थी और बेटा आयुष इनके पास थे, मेरे हबी के पास, तो दोनों बच्चे को पकड़ के रखना पड़ा। और ये जो है ना, ये जो ट्रेन के जैसा है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही इन्जॉय किया, इसमें कुछ भी कहीं भी डर उर नहीं लगा, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं विजयदशमी का। और अभी रावण जलने में अभी टाइम है, 8 बजे का है, तो अभी शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग घर से 4 बजे निकले थे, मयूर विहार फेज 3 में है, तो अभी टाइम है, तो हम लोग ऐसी तरह एंजॉय एंजॉय कर रहे हैं, कुछ खा पी लेते हैं, भूख भी बहुत तेज़ लग गई।
और यहाँ ना गोलगप्पे खा रहे हैं, फुचका गोलगप्पे जो भी कह लो, सबकी अलग अलग लैंग्वेज होती है शहर की। तो यहाँ तो पानी पूरी हो गया और फुचका कहते हैं दिल्ली में, तो वही खा रहे थे। तो यहाँ भैया बहुत ही टेस्टी गुपचुप बनाए थे, फुचका बनाए थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मेरे अभी तो कभी खाते नहीं थे, लेकिन इस बार खाएं वो और बच्चे लोग भी खाएं। तो मैंने 30 रुपये खा लिया, वो 20 रुपये खा ली संस्कृति, और मेरे अभी 10 रुपये का ही खाएं। तो वो बाहर का जल्दी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन अच्छा गुपचुप बना रहे थे ना ये, तो खाएं। फिर मैं बोली बहुत जीत करके कि आप भी खा लीजिए, क्योंकि घर जाकर मैं खाना उना नहीं बनाऊंगी, उनको पहले धमकी दे दी। तो वो बोले लाओ फिर खा लेता हूँ, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। हम लोग आ गए हैं घर, और रावण जल गया था, और हम लोग अभी जस्ट आ रहे हैं। ये देखिए अभी लाए हैं, ये आयुष ने क्या किया है, इसे पटक पटक के क्या किया, क्या है ये, बैठो, क्या है ये, ड्रैगन है, ड्रैगन है देखिए, और किस तरह से ये डायनासोर है, देखिए डायनासोर है, मेरा बेटा है डायनासोर, डायनासोर है, ड्रैगन है, हां डायनासोर है, देखिए ये आग उगलता है, ये यही साहबजादे ने इसका हलवा पूरी निकाल दिया है। हलवा पूरी इसके पेट से निकाल दिया और खा गया एकदम पिचक। अच्छा ये फूल जाएगा ना, और ये देखे ये लोग खिलौना लिए हैं, एक ट्रिक बताओ देखो, और आयुष ने क्या लिया है, आयुष ने खिलौना संतुष्टि नहीं होता, फिर भी पता नहीं मुकान खुला हुआ है बेटा जी का मेरा, अब पता नहीं क्या लेगा। तो ये देखिए इसके पापा ने क्या दिलाया है, ये ट्रैक्टर है, इस तरह से मेला में मिल रहा था, अच्छा है, मजबूत है, जल्दी टूटेगा नहीं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये खेलेगा तो टूटेगा नहीं जल्दी। तो चलिए हम लोग अभी आए हैं, तो खाना तो नहीं है बनाएंगे, क्योंकि खाना उना खा के आए हैं, और रावण भी एक जल गए हैं, तो चलिए वीडियो को यही एंड करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और पता है मेला में इतना भीड़ था कि क्या बताएं, एक बच्चा खो गया मेला में, बहुत ही मुश्किल से मिला, अलाउंस उसकी मम्मी करवाया तब जाके मिला। तो बच्चे को हाथ पकड़ के ही रखना चाहिए मेला में, नहीं तो क्या है घूम हो जाते हैं, तो क्योंकि इतना भीड़ में बच्चे को ले जाना और लाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, वीडियो को हम यही एंड करते हैं, अच्छी लगी तो लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहली बार चैनल, बाय।